रूस रुक जाए यूक्रेन झुक जाए। रूस रुक जाए और यूक्रेन झुक जाए, परमहंस ने दिया युद्ध रोकने का ऑर्डर, लोग देने लगे दिलचस्प रिएक्शंस। रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच अयोध्या के संत परमहंस ने युद्ध रोकने का ऑर्डर दिया है। संत परमहंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि ये मेरा आदेश है, युद्ध को रोक दो। परमहंस ने कहा, दिस इज माय ऑर्डर, स्टॉप वॉर। वायरल वीडियो में संत परमहंस ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि रूस रुक जाए और यूक्रेन झुक जाए। मैं इंडियन धर्माचार्य हूँ, मेरा नाम तपस्विनी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य है। दिस इज माई ऑर्डर, स्टॉप वॉर। रूस रुक जाए यूक्रेन झुक जाए। आई एम इंडियन धर्माचार्य, माई नेम इज तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। परमहंस ने आगे कहा कि रूस बनाम यूक्रेन, रूस महान है इसलिए युद्ध रोके। परमहंस ने कहा कि यूक्रेन ने गलत किया है इसलिए वो क्षमा मांगे, इसी में सबकी भलाई है, तभी महाविनाश होने से रुक सकता है। जय श्री राम। दिस इज माई ऑर्डर, स्टॉप वॉर। रूस महान है इसलिए युद्ध रोके, यूक्रेन ने गलती किया है इसलिए यूक्रेन क्षमा मांगे। परमहंस के वायरल वीडियो को देखकर लोग लोटपोट हो रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स परमहंस को चिलम ना फूकने की सलाह तक दे रहे हैं। परमहंस अमूमन अपने ऊट पटांग बयानों के लिए मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया यूजर्स परमहंस के इस बयान को उनका पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं। आइए बताते हैं सोशल मीडिया यूजर्स का क्या कहना है। एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, इनका काफी पैसा लगा होगा शेयर मार्केट में। एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, इनको ग्लोब मास्टर से यूक्रेन भेजा जाए, ग्राउंड जीरो से अपील करेंगे तो अलग असर होगा। एक सोशल मीडिया यूजर ने पुतिन का भगवा लिबास पहने मीम पोस्ट किया और तंज के रूप में लिखा, जो आज्ञा महाराज। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, चिलम और मधुशाला लेने के बाद हाल यही होता है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे लगा था ये जल समाधि ले लिए। इससे पहले संत परमहंस ने कहा था कि वो मोदी जी के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। परमहंस ने कहा था कि अगर मोदी जी उनसे कहेंगे तो वो प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ जाएंगे। वहीं पिछले साल उन्होंने 2 अक्टूबर को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की थी। हिंदू राष्ट्र घोषित न करने की स्थिति में परमहंस ने जल समाधि लेने का दावा किया था, लेकिन 2 अक्टूबर को हाई वोल्टेज ड्रामे और प्रशासन के मान मनोबल के बाद उन्हें अपनी कथित प्रतिज्ञा को तोड़ने का ऐलान किया था। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर वायरल न्यूज आप तक पहुंचती रहे।